हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा अपनी पांचवी संतान को जन्म देने वाली थी। इससे पहले उसकी चार बेटियां थी। सबसे बड़ी संगीता जो 5 साल की थी, उससे छोटी साक्षी जो 3 साल की थी, मंझली बेटी प्रिया और छोटी बेटी आशा दोनों जुड़वा होने के कारण एक एक साल की थी। लेकिन अब जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है तो रूम के अंदर से एक नर्स बाहर आकर मीरा की सास कल्याणी देवी को बधाई देते हुए बताती है कि उसकी बहू के एक लड़की हुई है। ये सुनकर कल्याणी कहती है, हाय हाय, एक और लड़की। अरे कमलेश, तेरी बीवी है या लड़कियां पैदा करने की मशीन। पहले ही 4-4 पैदा करके मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ी हुई है और एक और ले आई। हाँ माँ, सही कहा। ये मीरा ने तो मेरा वंश ही खत्म करने का सोच रखा है। लगता है इन 5-5 लड़कियों को कैसे पालूंगा मैं, और इनकी शादी का खर्चा वो अलग। बेटा मैं तो कहती हूँ बहू और उसकी 5 बेटियों को यहीं छोड़कर चलते हैं। इनके चक्कर में तो वरना हम बर्बाद ही हो जाएंगे। हाँ माँ चलो। कमलेश अपने बीवी को उसकी नवजात बच्ची और बाकी की 4 बेटियों के साथ हॉस्पिटल में ही छोड़कर चला जाता है। कुछ देर में जब मीरा को होश आता है तो वो अपनी बच्ची को देखकर खुश तो होती है, लेकिन एक और बेटी होने के कारण अपने पति और सास के बारे में सोचकर डर भी रही होती है। तभी नर्स उसके होश में आते ही उसकी 4 बच्चियों को उसके पास लाकर बैठा देती है और बता भी देती है कि उसके सास और पति हॉस्पिटल से जा चुके हैं। ये सुनकर मीरा बोलती है, माँ जी, और ये मुझे और मेरी बच्चियों को छोड़कर क्यों चले गए? 2 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर मीरा अपनी 1 साल की बच्ची को पीठ पर बांधे और 2 बच्चियों को गोदी में लेकर ससुराल जाती है। उसकी दोनों बड़ी बेटियां उसके पल्लू को पकड़े उसके पीछे पीछे चल रही थी। और जैसे ही मीरा ससुराल पहुंचकर दरवाजा खटखटाकर अपनी सास को बुलाती है तो दरवाजे पर आकर कल्याणी देवी मीरा से कहती है, क्यों री, यहाँ क्यों आई है? मेरे बेटे ने तुझे छोड़ दिया, अब हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। माँ जी ऐसा ना बोलो, अपनी इन 5 बेटियों के साथ ये माँ कहाँ बैठेगी? झरनू में जा या इनको लेकर कहीं डूब मर, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है। अरे आज के जमाने में एक लड़की का बोझ उठाया नहीं जाता और तूने तो 5-5 पैदा कर ली। निकल जा यहाँ से, मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी ताकि मेरा वंश आगे बढ़े। इतना बोलकर कल्याणी देवी अपने घर के दरवाजे मीरा और उसकी बेटियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। अब बेचारी मीरा अपनी बच्चियों के साथ अपने माँ बाप के घर जाती है, लेकिन वो उन पर बोझ ना बने इसीलिए बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़कर खुद मजदूरी करने जाती थी ताकि अपनी बेटियों का पेट भर सके। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। अब मीरा की बेटियाँ बड़ी हो गई थी, साथ ही पढ़ लिख भी गई थी। ऐसे ही एक दिन जब मीरा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने का काम कर रही थी, तभी उसका पैर फिसलने को होता है कि उसी वक्त उसकी बड़ी बेटी संगीता वहां आकर उसे संभालते हुए कहती है, माँ संभल के, अभी तुम्हारे पैरों पर गिर जाता तो। अरे छोड़ो ये काम और उतरो नीचे, और अब से तुम ये काम नहीं करोगी। बेटी पागल है क्या? इसी काम की वजह से मैं तुझे और तेरी बाकी की बहनों को पाल पाई हूँ। ये काम नहीं किया तो घर कैसे चलेगा? घर मैं चलाऊंगी, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत अच्छी जगह। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में बेटी, आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। मीरा के माता पिता का इन 20 सालों के दरमियान देहांत हो गया था और मीरा उनकी एक लौती संतान थी, जिसके कारण उन्होंने अपना घर मीरा और उसकी बेटियों के नाम कर दिया था, जहां मीरा अब अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। और जब उस शाम मीरा संगीता के साथ वापस घर की ओर आ रही होती है तो उसको देखकर मीरा की पड़ोसन निर्मला एक पड़ोस की औरत के साथ उसे ताने मारकर कहती है, बहन आज के जमाने में भी 5-5 लड़कियां होना अभिशाप है, वो भी बिना बाप के साये के। बताओ, बाप ने भी माँ को छोड़ दिया बेटियों के लिए, नाना नानी भी अपने नातिनों के चलते स्वर्ग सिधार गए, अब माँ बची है, कहीं ये 5 उसको भी ना निगल जाएं। ये सच कहते हैं लोग, लड़कियां तो बोझ ही होती हैं। संगीता की आंखों में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं तो वही मीरा
इस बात का जवाब देकर कहती है, लोगों ने एक सच कहा है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। निर्मला बहन और आपको या फिर इस मोहल्ले में रहने वाले किसी को भी जो कुछ कहना है मुझे कह लो, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटियों के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। मेरी बेटियां बोझ नहीं है, अभिमान है मेरा। ऐसी बेटियों के लिए 100 बेटे हंसते हंसते कुर्बान कर सकती हूँ। माँ रहने दो, जिन्हें भगवान ने औरत बनाया और वो तब भी एक औरत का दुख ना समझे तो इस इंसान को और कोई क्या ही समझा सकता है। मीरा और संगीता की बातों से निर्मला की आंखें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद जैसे ही मीरा घर आती है तो उसकी बाकी की चारों बेटियां भी आकर उसके गले लग जाती हैं। मीरा ने मेहनत करके अपनी सभी बेटियों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया था। ऐसे ही एक शाम जब मीरा की दूसरी बेटी साक्षी अपने घर आ रही होती है तो मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों का झुंड नुक्कड़ पर खड़ा होता है। साक्षी को आते देख कर उनमें से एक धर्मेश नाम का लड़का कहता है, अरे अरे जरा इधर भी नजर घुमा लो मैडम, कहाँ जा रही हो? भाई सच में मोहल्ले में रौनक तो मीरा आंटी की 5 बेटियों ने लगाई हुई है, एक से बढ़कर एक है। कसम से मन तो करता है एक आदी को उठाकर घर ले जाऊं। रहने दे साक्षी, इन आवारा लोगों के मुंह लगने का क्या फायदा। अरे सुन तो लो जाने मन, कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का करने का सोचा है, ब्याह कर लो हमसे, तुम हमको खुश रखना, हम तुमको। धर्मेश की इस बात को भी साक्षी नजरअंदाज करके आगे बढ़ रही होती है तो वो आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ पकड़ते ही वहाँ निर्मला आ जाती है और धर्मेश को एक जोरदार थप्पड़ लगा कर कहती है, शर्म नहीं आती अपने ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए? माँ तो इस लड़की के लिए मुझे मार रही है, कल तक तो मीरा आंटी और इसकी लड़कियाँ तेरी आँखों में चुपती थीं, आज तूने उसके लिए ही मुझे थप्पड़ मार दिया। मीरा को साक्षी के साथ छेड़खाने की खबर पता चलती है और वो भाग कर वहाँ आती है। इतने में वो देखती है कि निर्मला अपने बेटे को एक और थप्पड़ मार कर कहती है, अरे चुभती थी क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी 5-5 लड़कियां जो कि उसकी कमजोरियां हैं, लेकिन आज तुझे एक लड़की को छेड़ते हुए देखा तो समझ में आया कि कमजोर वो नहीं मैं हूँ जिसने तेरे जैसे लड़के को जन्म दिया जो मोहल्ले में लड़कियां छेड़ता है। सच कहती है मीरा बहन, उसकी बेटियां बोझ नहीं है बल्कि तेरे जैसे लड़के बोझ है समाज के लिए। माँ इसकी भी तो गलती है, आधी रात में बाहर क्यों निकलती है ये? तेरे बाप ने नियम बनाया है कि रात में निकलने वाली हर लड़कियों को छेड़ा जाए, जब तेरे जैसे जानवर रात में घूम सकते हैं तो ये तो लड़कियों के रूप में देवियां हैं। अरे शुक्र कर इसने तुझे मुड़कर थप्पड़ नहीं मारा, वरना मीरा बहन की 5 बेटियां किसी से कम नहीं हैं। इतने में मीरा साक्षी को संभालते हुए निर्मला का धन्यवाद करती है और निर्मला भी अपने पिछले व्यवहार के लिए मीरा से माफी मांगती है। कुछ ही समय में अपनी बेटियों की बदौलत मीरा उस छोटे से मोहल्ले से निकलकर एक अच्छे खासे मकान में शिफ्ट हो जाती है जो उसके ससुराल के नजदीक था। और उधर एक शाम एक बूढ़ी सी महिला फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगने उसके दरवाजे पर आकर कहती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, बहुत भूख लगी है। भिखारन की आवाज सुनकर मीरा एक थाली में खाना लेकर बाहर आती है और जैसे ही वो उस भिखारन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसकी सास कल्याणी थी जो इतनी बुरी हालत में भीख मांग रही थी। उसको पहचानते ही मीरा उससे कहती है, माँ जी आप इस हालत में कैसे? मैं आपकी बहू मीरा। मीरा, मेरा बहू, ना जाने मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, मुझे माफ कर दे बहू, तेरे साथ बुरा करने पर भगवान ने मुझे भी सजा दे ही दी। मेरे बेटे ने दूसरी शादी करके मुझे ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। मैंने एक माँ को बेघर किया था ना, इसलिए भगवान ने मुझे भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी आप अंदर चलो पहले। मीरा कल्याणी को अंदर ले आती है जिसके बाद उसकी 5 बेटियाँ अपनी दादी से मिलती है। इस बार कल्याणी उनको देखकर बहुत खुश होती है और मीरा के साथ साथ उनसे भी माफी मांगती है, जिसके बाद मीरा सब कुछ भुलाकर कल्याणी को माफ करके अपने साथ ही रखती है और वो और उसकी बेटियां अपनी दादी के साथ खुशी खुशी बेहतर जिंदगी बिताती हैं।
एक शहर में रोली अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई और वो रहा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वक्त आया जब उसके भाई की शादी का दिन आता है और अपने कमरे में जब उसका भाई शादी के लिए दूल्हे की शेरवानी पहनकर तैयार होता है, तभी उसकी बहन रोली आकर उसे बोलती है, क्यों भैया हो गए रेडी आज? बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्या बात है, भाभी के आने की इतनी खुशी है क्या? हाँ मेरी प्यारी बहन, शादी के दिन सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक हमसफर मिलता है, और तू भी तो खुश है। अरे भैया मैं तो खुश ही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो जंग जीतने वाली मुस्कान है वो कितने दिन तक रहने वाली है। क्या मतलब है तेरा रोली? कुछ भी तो नहीं भैया, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, हमें निकलना भी है, आज हम भाभी को लेने जा रहे हैं। इतना बोलकर रोली कमरे से बाहर जाने लगती है और जाते हुए खुद से बोलती है, जैसे दुनिया के बाकी लड़के शादी करके शहीद होते हैं, आज मेरा भाई भी वही करने जा रहा है। हे भगवान, अब तू ही मेरे भाई की रक्षा करना। ये शादी ब्याह बस 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अमावस से भी काली रात हो जाती है। इतना बोलकर रोली नीचे अपनी माँ के पास आ जाती है, और जिसके कुछ ही देर बाद पूरा परिवार बारातियों के साथ लड़की वालों के घर आता है, जहाँ अनीश और सलोनी की धूमधाम से शादी होती है। और शादी के बाद सलोनी अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास सुगंधा बोलती है, बहू ये कलश में जो चावल है उसे गिरा के अंदर आ जा। अपनी माँ की बात सुनकर रोली अपने मन में बोलती है, ये माँ के मुँह से भाभी के लिए बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ ने अपने मुँह के अंदर शहद की गगरी घोल ली है। कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे माँ की ये मीठी बोली शहद के बजाय कड़वे करेले जैसी हो जाएगी। सलोनी की सभी रस्में खत्म हो जाती है, जिसके बाद अनीश उसे लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों अपनी शादी के खूबसूरत पलों को एक साथ बिताते हैं। और सुबह हो जाती है, जिसके बाद सलोनी उठकर जल्दी से नहा धोकर किचन में जाती है और सबके लिए चाय बनाती है। अपनी सास और पति को चाय देने के बाद वो अपनी ननद रोली के कमरे में जाती है और बोलती है, रोली उठ जाओ, चाय लाई हूँ। भाभी सोने दो ना, सुबह के 8 बज रहे हैं, अब तो उठ जाओ, तुम्हें अपनी भाभी के हाथ की चाय नहीं पीनी क्या? अपनी भाभी की बात सुनकर रोली उठ जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी, एक बात तो बताओ, कल तो आपकी और भैया की फर्स्ट नाइट थी, फिर भी आज आप इतनी जल्दी जल्दी उठ गए। क्योंकि शादी के बाद एक लड़की पर कई जिम्मेदारियां आ जाती है, वो किसी की भाभी, किसी की वाइफ और खास तौर पर किसी के घर की बहू बन जाती है, इसलिए। हाय ये जिम्मेदारियां, और भाभी कल सब ठीक था ना? रोली तुम भी ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो, जाओ जाकर अपने भैया से ही पूछ लो। क्या यार भाभी, मैं भैया से कैसे पूछ सकती हूँ, आप ही बता दो ना। अरे सब कुछ बहुत ही अच्छा था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी, और वैसे भी शादी एक बेहद खूबसूरत एहसास है, जिस दिन तुम्हारी होगी ना तुम्हें उस दिन पता चलेगा। भाभी ये शादी वादी का सपना मेरे लिए मत सजाओ, क्योंकि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती, और वैसे भी ये शादी ना पूरी तरह से बर्बाद ही है। अरे अरे मेरी प्यारी ननद, आपने तो अभी तक शादी भी नहीं की, तो आपको कैसे पता है? क्योंकि भाभी हमारी गली के कई लोग भी तो शादी करके जीते जी रोज शहीद होते हैं। आपको पता है भाभी, जब हमारे पड़ोस में शर्मा अंकल के बेटे की शादी हुई थी ना, तो उनका बेटा पूरे पूरे दिन अपनी बीवी के साथ कमरे में ही बंद रहता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि फेविकोल का मजबूत जोड़ हो। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो बेचारा उसे दूर भागने के बहाने ढूंढता है। अरे मेरी प्यारी नना, शादीशुदा रिश्तों में तो छोटी मोटी अनबन होती रहती है। अच्छा अब मैं किचन में जा रही हूँ, खाना बनाना है। तो देखा आपने, रोली एक ऐसी लड़की है जिसे शादी सिर्फ बर्बादी लगती है। अपनी ननद से बातें करने के बाद सलोनी किचन में जाकर अपने काम करने लगती है और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसकी सहेली रीना का कॉल आता है और वो बोलती है, ओए कमीनी कहाँ है तू? अबे ओ पहले जरा तमीज से तो बात कर। तुझसे और तमीज से बात करूँ? अबे जा जा, तू तमीज के टीके लायक भी नहीं है, समझ गई झल्ली कहीं की। अबे चुड़ैल, जब तेरे पास मेरे लिए तमीज का टी भी नहीं है, तो फिर तूने मुझे फोन ही क्यों किया है, बोल ले डायन। अबे मैंने इसलिए फोन किया है कि तेरी बहन की शादी होने वाली है, समझी? तो तू आ जाइयो अपना मुंह उठाकर मुफ्त का खाना खाने।
ओए तो शादी कर रही है, कौन है वो बदकिस्मत जिसकी जिंदगी तू बर्बाद करने जा रही है, बोल। और शादी से पहले सगाई नाम की कोई चीज होती है, तूने मुझे सगाई करने के बाद फोन किया है। हाँ यार, सगाई के बाद ही किया है, लेकिन देख इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझी ना तू। इस तरह रोली फोन रखकर अपनी सहेली रेना की शादी में जाने के लिए 2 दिन पहले से ही सभी तैयारियां कर लेती है। और शादी का दिन आता है जब वो अपनी सहेली की शादी में स्टेज पर जाती है, जहां वो अपनी फ्रेंड के कान में बोलती है, मुबारक होए, आज तेरी बर्बादी है, तो बता कैसा लग रहा है तुझे। आज के दिन में तू बाज नहीं आ सकती ना, कैसी दोस्त है तू मेरी। अच्छा सुन, आज मैं तुझे एक चुटकुला सुनाती हूँ। देख, एक चिड़ा था एक चिड़ी थी, उन दोनों की शादी हो गई और फिर दोनों चिड़चिड़े हो गए, और तू भी ऐसी हो जाएगी, देख लियो अभी भी वक्त है, मत कर शादी। कमीनी तू अपना ये ज्ञान लेकर ना यहाँ से चली जा और जाकर खाना खा, मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक शादी नहीं करेगी, समझी, तेरी बारे में भी मैं ऐसे ही बोलूँगी। चल यार मैं खाना खाने जा रही हूँ। इस तरह शादी से दूर भागने वाली रोली अपनी सहेली को शादी ना करने की हिदायत देती है, और खाना खाकर वो अपनी सहेली की शादी देखकर वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ बोलती है, आ गई मेरी बिटिया, कैसी रही रहना की शादी, सब अच्छे से हो गया ना। अरे माँ अभी तो सब कुछ हो गया, और उसे शादी की खुशी में आसमान के चमकते तारे दिख रहे होंगे, लेकिन माँ तुम देख लेना जैसे ही शादी के कुछ दिन बीतेंगे ना, रैना को बस टूटते तारे दिखेंगे। अपनी माँ से बात करके वो अपने कमरे में चली जाती है, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, और वो बोलती है, और क्या कर रही है। कुछ नहीं, वेली बैठी हूँ। लेकिन तूने कैसे फोन किया मुझे, क्या हुआ, कुछ ही दिन में शादी की खुशी ने तुझे दुखी कर दिया क्या। हाँ यार, अब तो मेरा पति भी मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढता है, इसलिए मैं बोर हो रही थी तो तुझे फोन किया, और तो और काम इतना ज्यादा होता है कि उसी में दिन बीत जाता है। देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि शादी के बाद यही होता है। अच्छा है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, और मैं शादी वादी कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। रोली अपनी फ्रेंड से बात करके कॉल कट कर देती है, तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और बोलती है, रोली ये फोटो देख और बता कि इनमें से तुझे कौन सा लड़का पसंद है शादी के लिए। अरे माँ, आपको किसने कहा था लड़का देखने को, मैं शादी वादी नहीं करूँगी। क्यों री, क्यों नहीं करेगी तू शादी, देख रोली अब बहुत हो गया तेरा, समझी, ये सारे खानदानी है, इनमें से किसी से भी तेरी शादी हो गई तो तू राज करेगी, समझी। माँ राज का तो पता नहीं, लेकिन हाँ शादी के बाद काम का जरूर करना पड़ेगा। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो सास और पति का रवैया ऐसे बदलता है जैसे कि अनजान सफर में अनजाने लोग, ऐसा लगता है कि बस बहू घर नहीं लाए बल्कि काम वाली बाई लेकर आ गए हों, इसलिए मैं नहीं करने वाली शादी। हे भगवान, अब इसे तो बस सलोनी बहू ही समझा सकती है। रोली अपनी माँ को अपने मन की बात बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुगंधा अपनी बहू सलोनी को शादी के लिए उसे मनाने की बोलती है, और सलोनी अपनी ननद के कमरे में जाकर बोलती है, रोली माँ जी ने इतने अच्छे रिश्ते देखे तुम्हारे लिए, फिर भी तुम शादी से मना कर रही हो, आखिर एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही है ना, फिर क्या दिक्कत है। क्योंकि भाभी ये शादी ना बिजली की उन 2 तारों की तरह है, जो सही से जुड़े तो रोशनी और गलत जुड़ गए तो धमाका। ना बाबा ना, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन रोली तुम मुझे और अपने भैया को ही देख लो ना, हम तो शादी करके बहुत खुश हैं, और शादी एक लड्डू है, अगर तुम खाओगी तब भी पछताओगी और नहीं खाओगी तब भी पछताओगी, तो इससे अच्छा खाकर ही पछता लो। ठीक है भाभी, आप माँ को बोल दो कि मैं रेडी हूँ शादी के लिए। इस तरह सलोनी के समझाने पर रोली शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद पूरे परिवार के पसंदीदा नील नाम के लड़के से उसकी शादी होती है। रोली अपनी शादी के बाद जिंदगी को बहुत इंजॉय करती है और बोलती है, मैं तो खामखा ही डर रही थी शादी को लेकर, लेकिन सच में शादी एक खूबसूरत पल है, और मैं नील को अपने पति के रूप में पाकर बेहद खुश हूँ। इसका क्रेडिट सिर्फ भाभी को जाता है, वरना मैं तो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। देखा दोस्तों, कैसे रोली को ये समझ आया कि शादी बर्बादी नहीं बल्कि एक खूबसूरत वक्त और एहसास है। जया काफी गुस्से में लाल आंखें लेकर आदित्य के ऑफिस जाती है, और वो ऑफिस के गेट के की होल से देखती है कि आदित्य और रोशनी एक सोफे पर बैठकर
एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर जया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेजी से आदित्य के ऑफिस के गेट पर दस्तक देती है। गेट पर दस्तक की आवाज सुनकर रोशनी और आदित्य दोनों घबरा जाते हैं और ना चाहते हुए भी आदित्य हिम्मत करके गेट खोल ही देता है और गेट खोलते ही जया आदित्य को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये सब देखकर रोशनी के तो पसीने छूटने लगते हैं और जया खुद को गुस्से में भरकर चिल्लाकर बोलती है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुम जैसे धोखेबाज और मक्कार आदमी से शादी कर ली। ये सब देखने से पहले मुझे जहर खा लेना चाहिए था। आदित्य मुंबई में एक फिल्म डायरेक्टर है। वो फिल्म में काम देने के बहाने लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देता है। और इधर दूसरी तरफ जया बड़े ऑफिसर की बेटी थी। जया की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी आदित्य से करवा दी जाती है और आदित्य ने भी अपने फायदे और दहेज के लिए ये शादी की थी। फिर जया ने भी आदित्य को ही अपनी जिंदगी की सच्चाई मानकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया था। यूं ही दिन गुजरते गए और आदित्य का जया से मन भर गया और वो जया से दूर दूर रहने लगा और उसी के मौके तलाशने वो कभी मीटिंग का बहाना करता तो कभी नाइट शूट का हवाला देता। एक दिन रात को खूब सच सवर कर जया आदित्य के करीब आती है और उसे लिपट कर कहती है, जानू इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बेबी कुछ नहीं, ऑफिस में थोड़ा काम है। आज तो रुक जाओ, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। जया मैं ऑफिस का काम जल्दी ही खत्म करके आ जाऊंगा, पक्का, आई प्रॉमिस। देखो आदित्य, तुम्हें आज तो आना ही पड़ेगा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हाँ बाबा, आ जाऊंगा मैं टाइम पर। आदित्य घर से जा ही रहा होता है कि जया उससे पहले ही जाकर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, आज तो ऐसे नहीं जाने दूंगी। जया ये क्या बचकानी हरकतें हैं? ये बचकानी हरकतें नहीं, जवानी की हरकतें हैं। अगर तुम्हें जाना है तो पहले मुझे गले लगाओ और एक किस करो। आदित्य आगे बढ़कर जया के होठों पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाती है और रात के 11 बजे होते हैं, मगर आदित्य अभी तक नहीं आया होता। जया थोड़ा और इंतजार करती है लेकिन फिर भी आदित्य नहीं आता। जया परेशान हो जाती है और आदित्य को कॉल करती है। वहाँ आदित्य का फोन रिंग होता है मगर वो जानबूझकर फोन नहीं उठाता और उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी पूछती है, कौन है ये जो इस वक्त परेशान कर रही है आपको? और कौन होगी, मेरी बीवी जया है ये। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है इसीलिए इतना बेचैन हो रही है। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। अच्छा, ऐसी भी क्या खूबी है इसमें जो आपकी बीवी में नहीं है? ये नशीली आँखें, ब्लशी स्माइल, क्यूट सा फेस कट। आदित्य अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि फिर से जया का कॉल आता है और हर बार की तरह इस बार भी आदित्य ने जया का कॉल कट कर दिया। कुछ ही पलों में फोन दोबारा बज उठता है और इस बार रोशनी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और बोला, आदित्य जी आज की इस रोमांटिक नाइट में कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी। वेल डन रोशनी, अब हमारे और हमारी इस हसीन रात के बीच कोई नहीं आने वाला। आदित्य और रोशनी रोमांस कर रहे होते हैं और इधर दूसरी तरफ जया अपने पति के साथ एक रोमांटिक रात बिताने के लिए बेताब हो रही थी। वो काफी देर से आदित्य को कॉल कर रही थी मगर कॉल लग ही नहीं रहा था। जया के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही जाता है और उसे मन ही मन काफी गुस्सा आता है। जया काफी गुस्से में लाल आंखें लेकर आदित्य के ऑफिस जाती है और वो ऑफिस के गेट के की होल से देखती है कि आदित्य और रोशनी एक सोफे पर बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर जया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेजी से आदित्य के ऑफिस के गेट पर दस्तक करती है। गेट पर दस्तक की आवाज सुनकर रोशनी और आदित्य दोनों घबरा जाते हैं और ना चाहते हुए भी आदित्य को हिम्मत करके गेट खोलना ही पड़ता है और गेट खोलते के साथ जया आदित्य को एक जोरदार तमाचा मारती है। ये सब देखकर रोशनी के पसीने छूटने लगते हैं और जया खुद को गुस्से में भरकर चिल्लाकर बोलती है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुम जैसे धोखेबाज और मक्कार आदमी से शादी कर ली।
ये सब देखने से पहले मुझे जहर खा लेना चाहिए था। जया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। आदित्य, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा है? जया, कोई भी चक्कर नहीं चल रहा, मैं बस ऑफिस की मीटिंग से फ्री हुआ हूँ। बट मुझे कल एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाना है और रोशनी उस फिल्म की हीरोइन है। मैं उसको सिखा रहा हूँ कि कैसे एक्टिंग करनी है और कैसे एक्सप्रेशन देने हैं। रोशनी भी आदित्य का साथ देते हुए बोलती है। जया मैम, आप गलत समझ रही हैं। वो तो कल एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन की शूटिंग करनी थी, इसलिए सर से मैं एक्टिंग सीख रही थी। वो मुझे ढंग से समझाने के लिए एक्ट करके दिखा रहे थे। बस बस, तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम कुछ भी कहोगे और वो सच मान लेगी। तुम लोगों को पता है मैं आदित्य जी के लिए कितनी परेशान थी। मैम देखिए, आप गलत समझ रही हैं। आपको गलत फहमी हो रही है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आप स्क्रिप्ट पढ़ के देख लीजिए ना फिल्म की। आदित्य हड़बड़ी में एक लव स्टोरी वाली फिल्म की स्क्रिप्ट निकालता है और जया को दिखाता है, और जया बिना देखे ही आदित्य से कहती है, देखो आदित्य, मैं साफ साफ कह रही हूँ, एक ही रजाई में दो लुगाई नहीं रह सकती। किसी एक को चुनो इसी वक्त, मी और शी। आदित्य तो जैसे ही धर्म संकट में ही फंस जाता है। उसे किसी एक को चुनना था। अगर वो जया को छोड़ देता तो जया के पिता से मिलने वाले फायदे भी छूट जाते, और अगर वो रोशनी को छोड़ देता तो उसकी हवस छूट जाती। लेकिन उसे दोनों में से किसी एक को चुनना था, और ना चाहते हुए भी उसे रोशनी को छोड़ना ही पड़ता है। और आदित्य बोलता है, रोशनी तुम्हें जाना होगा इसी वक्त इस प्रोडक्शन हाउस से, जब तक मैं कुछ ठीक नहीं कर देता। अभी आदित्य ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और रोशनी उसे अनसुना करके चले गई, बिल्कुल एक फिसलते हुए रेत की तरह। साथ ही साथ जया भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दोनों के जाते ही आदित्य काफी परेशान हो गया, क्योंकि उसने खुद ही अपने दोनों पैरों पर एक साथ कुल्हाड़ी मारी थी। इधर जया को अब भी रोमांटिक नाइट की बेताबी हो रही थी, और उसने आदित्य को कॉल किया और घर बुला लिया, जिसके बाद जया बोलती है, देखो आदित्य, अब तो मान जाओ मुझसे गलती हो गई, वो मैं काफी गुस्से में थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर तो मेरा ही था, मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाया। छोड़ो इन पुरानी बातों को, चलो मिलकर एक नई रात की शुरुआत करते हैं। आदित्य इस घटना को जल्दी भूल गया और जया के साथ रोमांस करने लगा। वो रोमांस तो जया के साथ कर रहा था, मगर उसका दिलो दिमाग अभी भी रोशनी पर था। अफसोस, रोशनी भी अब उससे प्यार करने लगी थी। आदित्य अगले दिन सुबह उठा और तैयार होकर निकल पड़ा रोशनी की तलाश में, लेकिन वो तो मुंबई छोड़कर जा चुकी थी। और फाइनली जया ने एक रजाई में दो लुगाई रहने नहीं दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।